Yesterday, someone commented on my video that how can we know कि कौन सा व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर सुसाइड कर सकता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में हर चीज़ को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल है, सो इवन सुसाइडल थॉट्स या फिर सुसाइड कर लेना इज ऑल्सो प्रेडिक्टेबल। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वेरी स्पेशल योग विच forces a person to commit suicide in his life. Dekhiye, before starting to know the depth of this special yog, I want you to understand a very special concept. In astrology, in Vedic astrology, two grah, which are Jupiter and Moon, Chandra and Guru. These two grahas are the main givers of optimism एंड होप। जो बंदा बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है, जो होपफुल होता है, उनके जुपिटर एंड चंद्र दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। वेन इन एनी कुंडली, इन एनी पर्सन कुंडली, जुपिटर एज वेल एज मून, बोथ ऑफ दीज प्लैनेट्स, जुपिटर एंड मून, बोथ आर नेगेटिवली अफेक्टेड एंड आइदर दे आर इन वेरी लेस डिग्रीज, लेस देन 5 degrees, और दे आर मोर देन 25 degrees, यानी कि दे आर इन ओल्ड एज। This becomes the first step in anyone's life to commit suicide. देखिए, जब लाइफ में होप नहीं होगी, ऑप्टिमिज्म नहीं होगी, only then the first thought of suicide can come into anyone's mind. So before knowing all the other concepts, I want you to know कि अगर जुपिटर या चंद्र स्ट्रांग है कुंडली में तो बहुत कम चांसेस होते हैं सुसाइड करने के। अगर गुरु और चंद्र दोनों नेगेटिवली अफेक्टेड होंगे, दोनों बहुत वीक स्थिति में होंगे, नेगेटिव ग्रहों से, राहु शनि से अफेक्टेड होंगे, राहु और शनि के अंडर आ जाएं, इनकी कंजंक्शन में आ जाएं, उनकी दृष्टि पड़ रही हो, और बहुत वीक या फिर बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में बैठे हों, देन ओनली एंड ओनली देन द फर्स्ट थॉट ऑफ सुसाइड विल कम इनटू एनीवन्स लाइफ। सो नाउ दैट यू नो कि जुपिटर और चंद्र की हमने पहली चीज़ चेक करनी है कि ये दोनों सही होने चाहिए। अगर ये दोनों नहीं सही, तब हम नेक्स्ट पे जाएंगे कि अब जब थॉट आ गया सुसाइड का, क्या ये व्यक्ति उस थॉट को थॉट ही रहने देगा कि ही विल एक्चुअली कमिट सुसाइड इन हिज लाइफ। सो सुसाइड के लिए पहला स्टेप हमने गुरु और चंद्र देखा। जब गुरु और चंद्र दोनों वीक है, द थर्ड प्लैनेट और ग्रह विच यू विल बी गोइंग टू एनालाइज इज द 8th हाउस लॉर्ड। वट एवर राशि इज फॉलिंग हियर, फॉर एग्जाम्पल हियर 6th नंबर इज फॉलिंग, सो नाउ दिस 8th लॉर्ड बिकम्स मर्क्यूरी। दैट मीन्स जुपिटर और मून की स्थिति जानने के बाद you have to check the sthiti of this mercury. So the second most important thing for a person to actually commit suicide is a very weak 8th lord. Jo 8th lord hai, jo 8th house ka lord hai, he should be very weak in the kundli. Ye bhi ek pakki confirmation honi chahiye. Agar 8th house ka lord strengthened hoga, achhi rashiyon mein hoga, apni rashiyon mein hoga, then the case of suicide does not arise. ठीक है, तो फर्स्ट चीज गुरु एंड चंद्र, थर्ड चीज हमने चेक करा कि 8th हाउस का लॉर्ड स्ट्रेंथन्ड है कि वीक है। नाउ वी इमेजिन कि 8th हाउस का लॉर्ड भी वीक ही है बंदे की कुंडली में। नाउ वी विल एक्चुअली गो टू द योग। सो दिस योग इज कॉल्ड आत्मघात योग। आत्मघात मीन्स खुद को हार्म करने वाला योग। व्हेन समवन बिकम्स द रीजन फॉर हिज ओन डेथ, दैट मीन्स व्हेन समवन कमिट्स सुसाइड। So, आत्मघात योग के लिए हमने तीन चीजें पहले चेक कर चुके हैं हम, कि गुरु और चंद्र वीक होने चाहिए, 8th लॉर्ड वीक होना चाहिए। नाउ दैट ऑल दीज 3 प्लैनेट्स आर वीक, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू सी योर लग्न लॉर्ड। इफ योर लग्न लॉर्ड, सपोज लग्न लॉर्ड इज जुपिटर, 9 नंबर राशि इज फॉलिंग। नाउ इफ दिस लग्न लॉर्ड इज गिविंग दृष्टि टू द 8th हाउस और गिविंग दृष्टि टू, for example, 5th drishti to this mercury which we discussed was the 8th lord. So lagna lord ki drishti 8th house pe pad rahi ho, ya fir lagna lord ki drishti 8th house ke lord pe pad rahi ho, ya fir lagna lord aur 8th house ka lord aapas mein conjunct ho jaye, then this becomes a clear cut case of suicide. So Jupiter, Chandra and 8th house lord are weak and lagna lord is aspecting this 8th lord. And during the dasha of the first house or the dasha of the 8th house or the antar dasha of these two planets, the person will commit suicide. Now that we have discussed ki lagna lord ki power pe depend hota hai
या उसकी दृष्टि या फिर उसकी कंजंक्शन पे डिपेंड होता है कि सुसाइड करेगा कि नहीं कि व्यक्ति। लग्न के अलावा फर्स्ट हाउस के अलावा तीन और हाउसेस के लॉर्ड्स यानी कि थर्ड हाउस का लॉर्ड, टेंथ हाउस का लॉर्ड एंड इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड भी सिमिलर मोटिवेशन दे सकते हैं फॉर कमिटिंग सुसाइड। दैट मीन्स आइदर योर फर्स्ट लॉर्ड, योर थर्ड लॉर्ड, टेंथ लॉर्ड और इलेवेंथ लॉर्ड आर इन कंजंक्शन विद दिस वीक एट्थ लॉर्ड एंड दे आर गिविंग दृष्टि टू दिस एट्थ लॉर्ड विच इज इन वीक स्थिति। That also becomes a scenario for suicide. Now we have to understand the last concept, which is very, very important. कि actually कब suicide का time आएगा? So we have discussed कि दशा या अंतर दशा, first lord की, third lord की, tenth lord की, eleventh lord की देखेंगे, plus eighth lord की देखेंगे, right? Now we will see कि अब confirmation कैसे होगी suicide की. So हमने शुरू में समझा था that guru and chandra when they are weak, the person always remains pessimist या फिर negatively affected in his mind, frustration से भरा रहेगा व्यक्ति। और अगर इसी गुरु और चंद्र में किसी तरह शनि की दृष्टि पड़ जाए, Saturn, negative Saturn when it is aspecting your guru and chandra which are already sitting in negative place, so this negative Saturn further enhances the feeling of frustration. That means अगर शनि की दृष्टि पड़ रही होगी, तीसरी दृष्टि पड़ रही होगी, सातवीं दृष्टि पड़ रही होगी या फिर दसवीं दृष्टि पड़ रही होगी शनि की, तो और फ्रस्ट्रेटेड होगा बंदा लाइफ में, राइट? एंड अब हम डिस्कस करते हैं कि अगला प्लेनेट कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है फॉर सुसाइड। अब देखिए, शनि की हमने दृष्टियां चेक कर ली, नाउ अगेन द सिनेरियो कम्स दैट गुरु एंड चंद्र शुड बी वीक इन योर लाइफ सो दैट यू कैन फील फ्रस्ट्रेशन। अगर गुरु और चंद्र वीक नहीं होंगे, सुसाइड का टाइम ही नहीं मिलेगा, सुसाइड का थॉट ही नहीं आएगा। सो नाउ व्हेन गुरु एंड चंद्र आर वीक ऑलरेडी वीक एंड मंगल इज एस्पेक्टिंग देम, मंगल की कौन सी दृष्टि होती है? चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि। व्हेन मंगल इज एस्पेक्टिंग ऑलरेडी वीक जुपिटर एंड चंद्र, मंगल विल गिव एंगर, तो बंदा एंगर की वजह से सुसाइड कर सकता है। अब हम तीसरा और आखिरी प्लेनेट डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, केतु इज द लास्ट स्टेप, केतु फोर्सेज अ पर्सन टू टेक द एग्जैक्ट लास्ट स्टेप इन हिज लाइफ। अगर गुरु और चंद्र एंड द एर्थ लॉर्ड आर ऑलरेडी वीक एंड फर्स्ट लॉर्ड एर्थ पे एस्पेक्ट भी कर रहा है एर्थ लॉर्ड के ऊपर, देन वी सी कि केतु किस पोजीशन में बैठा है। अगर केतु नेगेटिव पोजीशन में बैठा होगा, स्पेशली इन दिस 12th हाउस, देन ड्यूरिंग द पतंत्र दशा ऑफ केतु द पर्सन बिकम्स वेरी वेरी नेगेटिव एंड ही इज फोर्स्ड टू टेक द फाइनल स्टेप इन हिज लाइफ। सो शुरू से अगर हम रिवाइज करें, वी डिस्कस्ड के सुसाइड करने के लिए व्यक्ति के फर्स्ट चीज जो नेसेसरी है कुंडली में, दैट इज गुरु एंड चंद्र का नेगेटिव होना, वीक होना। दूसरी चीज जो नेसेसरी है, दैट इज एट्थ हाउस के लॉर्ड का वीक होना। तीसरी चीज जो नेसेसरी है, दैट फर्स्ट लॉर्ड, थर्ड, टेंथ और इलेवेंथ, दीज लॉर्ड्स शुड बी एसोसिएटेड विद द एट्थ लॉर्ड। एंड फोर्थ आखिरी चीज, शनि की दृष्टियां, मंगल की दृष्टियां या फिर केतु की दृष्टि और केतु का खराब होना इज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। सो आई होप यू लाइक दिस शॉर्ट वीडियो वेयर आई डिस्कस्ड व्हेन अ पर्सन इज फोर्स्ड टू टेक हिज ओन लाइफ अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। इफ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज फील फ्री टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। धन्यवाद।